मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले देश में लागू होगा CAA। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी सरकार देश में CAA लागू कर सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में गृह मंत्रालय इसका ऐलान कर सकता है। नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी सरकार देश में CAA लागू कर सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में गृह मंत्रालय इसका ऐलान कर सकता है। बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया था कि CAA का नोटिफिकेशन जल्द लागू हो जाएगा। गृह मंत्री शाह के इस ट्वीट के बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि देश में नागरिकता संशोधन कानून चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में CAA कानून लागू किया जा सकता है। वो इसलिए भी कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने खुद कहा था कि CAA तो हम लागू करके छोड़ेंगे, ये एक प्रक्रिया है, हो सकता है कि चुनाव से पहले भी लागू हो जाए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था CAA तो लागू होगा, इसकी एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है वो 7 दिनों में क्लियर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देश का डिमांड है, ये होगा और केंद्र सरकार इसे करके छोड़ेगी। ये हमारा वादा है, हमने वादा किया था, इसलिए हमने लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कराकर राष्ट्रपति जी से साइन करवाया है। इसे नागरिकता संशोधन कानून भी कहते हैं। इसमें विदेशियों के नागरिकता का प्रावधान है। 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों पर ये लागू होगा। इन देशों के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता उन्हें मिलेगी जो 2014 से पहले आए होंगे और धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में आए हैं, जो कम से कम 6 साल से भारत में रह रहे होंगे। नागरिकता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसके लिए सरकार ने पोर्टल तैयार कर लिया है। आवेदकों को भारत में आने का साल बताना होगा। उन्हें इसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। किस देश के नागरिक हैं इसके लिए भी प्रूफ नहीं चाहिए, मतलब उनके पास पासपोर्ट या वीजा होना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और जांच के बाद नागरिकता दी जाएगी। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।